कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा मिलेगा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है नरेंद्र मोदी आएंगे उनके भाषण में बोलना कटा कट कटा कट कटा कट उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठा वायदा था। यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री खत्म कर दी। छोटे व्यापारी जो थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया। फैक्ट्रियां बंद करवा दी गलत जीएसटी और नोटबंदी के कारण। जीएसटी नोटबंदी भाइयों और बहनों अरबपतियों के लिए किया गया था। नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की। इसीलिए उन्होंने अभी भी इसकी लागू किया। आप 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, आपने हमें झूठ क्यों बोला? मैं आपको हिंदुस्तान के युवाओं को रास्ता दिखाना चाहता हूँ। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे आप मनरेगा में अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए, 8,500 रुपए खटा खट खटा खट खटा खट करेंगे। महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको 1,00,000 रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले वो रोजगार हम दे देंगे। मैं जानता हूं यहाँ पे मनरेगा के मजदूर है। नरेंद्र मोदी जी ने आपका लोकसभा में अपमान किया था। प्रेस कहती है कि मनरेगा से लोगों की आदत बिगड़ती है। आप मजदूरी करते हो उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है, मगर अरबपतियों का पैसा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको, है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती है उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी। आपको बंधु मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम सरकार में और पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। और जो हमारे किसान भाई हैं,
आप पैसे निकल जाएंगे, आप मेहनत करते हो मगर जब आपको अनाज बेचना होता है अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे मिलने पड़ते हैं तब दाम को कम कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर इम्पोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम कम कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए दो काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले चुनाव के एकदम बाद हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं और दूसरा काम मंगिया, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है। कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे, इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं। जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आ जाइए यहाँ। कार्तिक जी और नरेंद्र पटेल जी, नरेंद्र पटेल जी दोनों को भारी भारी बहुमत से जिताना। ये चुनाव गांधी से संविधान को और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। जो भी देश के गरीब लोगों को मिला है, चाहे वो आपकी जमीन हो, जल हो, जंगल हो, रोजगार हो, सारा का सारा इस किताब ने, हिंदुस्तान के संविधान ने गरीबों को दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको बदलना चाहते हैं, इसको रद्द करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर संविधान खत्म हो गया तो जो भी अधिकार आपको मिले हैं सारा का सारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, सारा का सारा गायब हो जाएगा और हिंदुस्तान में 22-25 लोगों का राज होगा। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं, अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए और इनके हवाले कर दिया जाए। और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? सुना है? अदानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन
आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सारे के सारे एयरपोर्ट हमारेगा तो वही आगे जाएंगे ना, पावर स्टेशन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगारी दी, यहाँ से आदिवासी युवा प्लान करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया, किसानों को सही दाम नहीं दिया, महिलाओं की मदद नहीं की, मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया, कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, शब्द के पीछे सोच है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। अगर आप हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हो तो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने ये काम आपके लिए किया। पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, और आपका जो हक था वो आपको वापस दिया। अब हम क्रांतिकारी योजना आपके लिए लाए, ऐसी योजना जो किसी भी सरकार ने पहले नहीं की हो। करना छोड़ो, किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में सोचा भी नहीं, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, और हर गरीब परिवार में से जैसे हमारी माताएं बहनें आई हैं, एक महिला का नाम चुना जाएगा, और अगली इंडिया गठबंधन की सरकार उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डालने का है। भाइयों और बहनों, महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा हम डालने जा रहे हैं। आप सोचिए, 1 लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये पैसा आपका है, जीएसटी में आप देते हो, देश को ये पैसा आपसे मिलता है, टैक्स आप देते हो, उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है, मगर ये धन आपको नहीं दिया जाता। इसीलिए पहली बार इंडिया की सरकार करोड़ों महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए महीने के 8,500 रुपए टका टक देगा, और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से। सबसे बड़े नेता, जन जन के नायक माननीय श्री राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों के बजाय से इस बार स्वागत अभिनंदन कीजिए। सम्मानी मंच एक बार फिर से जयकारा का नारा लगेगा। राम राम, जोहार।
सबका तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि मेरा जीवन पूरा संघर्ष से गुजरा है। मेरे घर में नमक मिर्च नहीं मिलता था, मुझे खाने को नहीं मिलता था। वहां से मैंने कांग्रेस पार्टी की बदौलत सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, सरकारी छात्रावास में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के साथ ही संघर्ष मेरा जारी रहा। विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर मैं यहाँ लड़ा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बदौलत इस देश में जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, SC ST OBC के उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और मुझ गरीब को भी प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर मिला। प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए मैंने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जन संगठनों से जुड़ के भारत देश के कोने कोने में घूम के आम जनता के मुद्दों को समझने का प्रयास किया। जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी आई, मजदूर परेशान थे, किसान परेशान थे, ऐसी स्थिति में मुझे मन को विचलित हो रहा था मैं। और तब माननीय राहुल गांधी जी देश में जन की आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और देश में घूम घूम के जनता को देखा कि न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपने फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ किया। इस दरमियान मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, क्यों? इसलिए कि इस देश में जो भारतीय संविधान की बदौलत